मुक्तिपुर स्थित विभूतिपुर में तीन दुकानों में लगी आग पड़ताल शुरू। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक चौक पोपन स्थित तीन दुकानों में शनिवार की रात अचानक आग लग गई। इसमें लगभग 2.5 लाख रुपए के सामान जलकर नष्ट हो गए। इसमें दुकानदार कपिलेश्वर यादव का श्रृंगार दुकान, कैलाश पासवान का चाय नाश्ता दुकान और राम नरेश यादव की साइकिल दुकान में आग लग गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बीती रात तकरीबन 1:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विभूतिपुर के समीप स्थित एक दुकान में आग लगने के बाद आसपास के लोग दुकान को जलते देखे। हल्ला मचाए जाने पर आनन फानन में ग्रामीण लोग दौड़ पड़े और आग से बचाव कार्य में जुट गए। साथ ही लोगों के द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई। तब तक उक्त तीन दुकान जलकर राख हो चुके थे। अंचलाधिकारी अशोक कुमार यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि राजस्व कर्मचारी को जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है। कानूनी जन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।